हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी लास्ट वीडियो में स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग और शेप्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसकी टेस्ट सीरीज़ देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस चैप्टर से। लेट्स कंटिन्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल शेप इज, हमारे पास ऑप्शन है कॉन, क्यूब, सर्कल या फिर स्फीयर। तो कौन क्या है आपका, ये तो 3D है, क्यूब आपका 3D है, ये भी स्फीयर, ये भी आपका 3D है, सर्कल, सर्कल है आपका 2D शेप। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सर्कल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल इज अ, तो ट्रायंगल क्या है, अनडायमेंशनल शेप, 2D शेप, 3D शेप या फिर नन ऑफ दिस। सो द आंसर इज 2D शेप। ट्रायंगल क्या है, एक 2D शेप है, क्योंकि ये एक प्लेन फिगर पे बन सकता है। नेक्स्ट है, 2D शेप्स डू नॉट हैव डैश, 2D शेप्स के पास क्या नहीं होता, एग्जिस्टेंस, डेप्थ, लेंथ, ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ होती है 2D शेप्स की, और वो एग्जिस्ट भी करते हैं, तो उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास हाइट नहीं होती, उनके पास डेप्थ नहीं होती। तो आपका करेक्ट आंसर है डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रिक किसका एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, इनमें से किसका एग्जाम्पल है ब्रिक। ब्रिक एग्जाम्पल है आपका क्यूबॉइड का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, अ क्यूब हैज़ 8 faces, एक क्यूब के 8 faces होते हैं, नहीं ये फॉल्स है। अ क्यूबॉइड हैज़ 6 edges, एक क्यूबॉइड के 6 edges होती है, नहीं ये भी फॉल्स है, क्योंकि एक क्यूबॉइड की 12 edges होती है। अ स्फीयर हैज़ 9 vertices, ये ट्रू है, बिकॉज जो एक सर्कुलर बॉल होती है उसकी कोई भी वर्टिसेस नहीं होती, डैट मीन्स कि एक स्फीयर की कोई भी वर्टिसेस नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल इज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक सर्कल का, आइसक्रीम कोन, सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर बोल। आइसक्रीम कोन तो नहीं होगा, बिकॉज इसकी शेप तो एक कोन जैसी होती है। सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो हमारा रेक्टेंगुलर होता है और हमसे सर्कुलर की बात की है। नेक्स्ट आपका बोल, लेकिन बोल जो होती है हमारी 3D होती है, तो ये तो स्फेयर होता है। फिर आता है सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि CD। CD आपका जो उसका सरफेस है वो कैसा होता है, सर्कुलर। तो एग्जांपल क्या है सर्कल का, यहाँ पे सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। आप यहाँ पे बोल पे भी टिक कर देते अगर आप प्रॉपर सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते, तो इसलिए हमेशा कीप इन माइंड कि एक बार सारे ऑप्शंस आप ज़रूर पढ़ लो, देन उनमें से जो आपको बेस्ट आंसर लगे उस पर टिक मार्क करो या करेक्ट, या फिर उस पर आप अपना आंसर रखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3D टर्म इज़ यूज्ड फॉर, 3D टर्म किसके लिए यूज़ होती है, 3 diameters, 3 days, 3 data या फिर 3D। 3D टर्म हम मैथ्स के लैंग्वेज में यूज़ करते हैं 3D के लिए, 3D फिगर्स के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर 2 faces ऑफ अ सॉलिड शेप मीट इज, 2 faces किसी भी सॉलिड शेप के मीटअप करते हैं तो क्या बनता है, शेप, वर्टेक्स, एज या फिर पॉलीहाइड्रन। इसका आंसर होगा आपका एज, बिकॉज द ये 2 faces बन रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, एक एज बना रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th question, द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थ किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर, सर्कल का, स्फेयर का, पॉलीगन का या फिर कोई भी नहीं। अर्थ सर्कुलर होती है मान लिया, लेकिन ये एक प्लेन सरफेस पे तो नहीं है ना, स्फेयर, स्फेयर होगा, क्योंकि अर्थ क्या है, वो 3D है, अर्थ हमारी क्या है 3D, तो इसलिए ये होगा स्फेयर। पॉलीगन तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो सर्कल है, एंड पॉलीगन हमारा होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्फेयर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। 2D शेप्स हैव मैक्सिमम 4 vertices,
टू डायमेंशनल जो शेप्स होती है, क्या उनकी मैक्सिमम वर्टिसेस 4 होंगी? तो ये ट्रू है, बिकॉज पहला आपका टू डायमेंशनल में क्या आ गया, ट्राइंगल आ गया, फिर सर्कल आ गया, इसकी कोई वर्टिसेस नहीं होती, देन आपका आता है स्क्वायर, और फिर आपका आता है रेक्टेंगल, राइट। इसके अलावा तो आपके फिर क्वाड्रिलेटरल्स ही है जनरली, एंड वो सभी क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं आपके, उसमें कौन कितनी वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस है सभी में, तो यानी कि आपका फर्स्ट वन ट्रू है। देन आता है डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब, डाइस एग्जाम्पल क्यूब का ही है, बिकॉज उसके सभी फेसेस कैसे होते हैं, सभी फेसेस उसके होते हैं स्क्वेयर में, स्क्वेयर पॉलीगन के, स्क्वेयर के सरफेस होता है उसमें सभी फेसेस का, तो डैट मीन्स कि ये भी करेक्ट है। अब पॉलीहेड्रन हैज़ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, एक पॉलीहेड्रन के पास फेसेस भी होते हैं, एजेस भी होते हैं और वर्टिसेस भी होते हैं, यानी कि आपका ये भी ट्रू है। तो यानी कि इसमें से कौन सा फॉल्स नहीं है, इसमें से कोई भी फॉल्स नहीं है, इसलिए इसका डी पार्ट होगा नन ऑफ दीज आंसर। टू डायमेंशनल शेप्स आर कॉल्ड डैश ऑल्सो, टू डायमेंशनल शेप्स को हम और क्या भी कहते हैं, पॉलीहेड्रन, सॉलिड शेप्स, प्लेन शेप्स या फिर फेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेन शेप्स। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि प्लेन शेप्स आर नोन एज टू डायमेंशनल शेप्स। कई बच्चे इसमें फेस पे भी दबा देंगे, लेकिन फेस ठीक है, फेस आपका पॉलीगन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टू डायमेंशनल शेप्स को फेसेस कहने लगोगे, बिकॉज क्यूबॉइड के अंदर भी फेस होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेन शेप्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स पॉलीहेड्रन हैज, एक कन्वेक्स पॉलीहेड्रन के पास क्या होता है, इन नंबरेबल फेसेस एंड वर्टिसेस। ये फॉल्स है, क्योंकि हम फेसेस को काउंट कर सकते हैं एक पॉलीहेड्रन के और उसके वर्टिसेस को भी, श्रिवल्ड फेसेस एंड वर्टिसेस। ये भी गलत है, बिकॉज ये नॉन कन्वेक्स का होता है, कि कोई भी पॉलीहेड्रन का जो बचा हुआ स्पेस है वो खोखला है थोड़ा। देन है इमर्ज्ड फेसेस एंड वर्टिसेस, ये ट्रू है, बिकॉज आपकी कोई भी शेप हो उससे ही आपका एक पॉलीहेड्रन बन रहा होता है, उसके सिमिलर फेसेस होते हैं, तो यानी कि आपका सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिरामिड इज अ डैश पॉलीगन, टू डायमेंशनल शेप, पॉलीहेड्रन, 4 डायमेंशनल शेप। पिरामिड क्या है, पिरामिड एक पॉलीगन नहीं है, बिकॉज ये 3D शेप है, टू डायमेंशनल शेप भी नहीं है, क्योंकि ये प्लेन फिगर नहीं है, पॉलीहेड्रन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 डायमेंशनल शेप्स, 4 डायमेंशनल शेप्स तो ऐसी अभी तक हमने कभी कोई मैथ्स में पढ़ी ही नहीं है, हमने सिर्फ 2 टाइप्स के शेप्स पढ़ी है, वो है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीहेड्रन, बिकॉज ये पिरामिड में जो पॉलीहेड्रन है, पिरामिड एक कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है, हमने ये एग्जाम्पल्स में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, अ बॉक्स हैज़, एक बॉक्स के 4 कितने, क्या फेसेस, एजेस और वर्टिसेस कितने होते हैं, 4 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसेस, ये फॉल्स है। 6 फेसेस होते हैं, 8 एजेस होती हैं, 12 वर्टिसेस, ये भी आपका फॉल्स है। 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, ये ट्रू लग रहा है, तो लेट्स सी एक बॉक्स बना के देख लेते हैं। तो हमने ये बना के देख लिया, तो अब इसके कितने फेसेस हैं, एक फेस ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6, यानी कि इसके 6 फेसेस पक्का है। अब आते हैं एजेस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 एजेस होती हैं। अब आते हैं वर्टिसेस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि आपका सी पार्ट ट्रू है, कि एक बॉक्स के 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं एंड 8 वर्टिसेस होती है। अब आप एक चीज़ और लिख लो, ये मैं लास्ट टाइम बताना भूल गई थी, कि जो एक पॉलीहेड्रन होता है उसका फिक्स है कि उसके पास हमेशा 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगी और 8 वर्टिसेस होंगी ऑलवेज। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, पूछी जाती है कई बारी, क्वेश्चन आ जाता है कि
राइट राइट द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस इन अ पॉलीहेड्रन एंड देन आपको बोल देंगे ऑप्शंस देके कि आपको करेक्ट बताना है. तो ये पॉइंट याद रखना. एंड यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज फिनिश होती है. होप सो आपको ये प्रॉपरली चैप्टर कंप्लीट समझ आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. बाय बाय. और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @flatwisely पर. सो बाय. और जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो जल्दी से जल्दी. बाय.